जय श्री कृष्णा मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक विशेष जानकारी जो कि भगवान श्री कृष्ण और जन्माष्टमी से जुड़ा उपाय है। दोस्तों, आज के समय व्यक्ति के पास धन का होना बहुत ज़रूरी होता है। धन के बिना दोस्तों व्यक्ति का न तो मन लगता है, न ही किसी प्रकार का कोई कार्य होता है, और बिना धन के आज के समय कुछ भी संभव नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं आपके जीवन के अंदर धन का आगमन हो, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर देखने को मिले, और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर हर प्रकार से सुख आए, तो दोस्तों जन्माष्टमी की रात को आपको धनिये का उपाय ज़रूर करना चाहिए। आप देखेंगे किस प्रकार आपके जीवन के अंदर धन का आगमन होना है, और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, धन का प्रतीक धनिया माना जाता है, और दोस्तों वैसे भी आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण की प्रसाद पंजीरी खाई होगी तो उसके अंदर आपने धनिये का प्रसाद जरूर ग्रहण किया होगा। भगवान श्री कृष्ण को धन से जुड़ा धनिया बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, और दोस्तों इसके चमत्कारी उपाय भी किए जाते हैं जो आपके जीवन के अंदर धन का आगमन करवा देते हैं, धन का आपके जीवन के अंदर स्थायी वास होता है। तो दोस्तों बात करते हैं उपाय की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा और अंत तक देखें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक जरूर करें। दोस्तों सबसे पहला उपाय, दोस्तों जन्माष्टमी की रात को क्या करें कि आप एक कटोरी धनिया ले लें, और एक कटोरी धनिया लेने के तत्पश्चात आपके परिवार के जो भी सदस्य होते हैं उन सारे सदस्यों के ऊपर से 7 बार आप उस धनिये को ओसार लें, और ओसारते समय आपको ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का अपने मन ही मन लगातार जाप करते रहना चाहिए। और दोस्तों ऐसा करने के बाद उस धनिये का दोस्तों आप ओसारते हैं, तब क्या प्रभाव पड़ता है कि जब भी आप किसी सदस्य के ऊपर से उस धनिये को ओसारते हैं तो उस धनिये के अंदर की सकारात्मकता तो उस व्यक्ति के अंदर चली जाती है, लेकिन जो नकारात्मकता होती है, धन की कमी का योग कहीं बना होता है, कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह नीच स्थिति के अंदर होता है, मंगल नीच स्थिति के अंदर होता है, तो वह उच्च स्थिति के अंदर आ जाते हैं, और सारी की सारी सकारात्मकता तो आपको वह दे देता है और नकारात्मकता सोखने का कार्य करता है। ऐसा करने के बाद आप क्या करें कि आप भगवान से ऐसा बोल दें, और उसके बाद आप उस धनिये को दोस्तों जन्माष्टमी की रात्रि को अपने घर की छत पर लेकर आ जाएं, और घर की छत पर लाने के बाद आप क्या करें उस धनिये को आप अब उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लें, और उत्तर दिशा की तरफ मुख करने के बाद उस धनिये को दोस्तों आपको अपने पीछे की तरफ अर्थात दक्षिण दिशा की तरफ आप वह धनिये को थोड़ा थोड़ा अपने हाथों के अंदर लें, दक्षिण दिशा की तरफ, फिर थोड़ा सा पूर्व दिशा की तरफ, थोड़ा सा पश्चिम दिशा की तरफ, थोड़ा सा आसमान की तरफ, और थोड़ा सा धनिया आपको वापस उत्तर दिशा की तरफ फेंक देना है, और फेंकते समय आपको कहना है हे मेरे घर की बुराई, हे मेरे घर की नकारात्मकता, या मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का दोष है तो तुरंत प्रभाव से मेरे घर से दूर चली जाओ, और आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, बस मेरे घर परिवार के अंदर आप सुख समृद्धि को लेकर आए। भगवान श्री कृष्ण से ऐसी प्रार्थना आप कर लें, और ऐसी प्रार्थना करने के बाद आप नीचे की तरफ आ जाएं। और दोस्तों ध्यान रहे कि जन्माष्टमी के अगले दिन तक भी आपको उस नवमी दसवीं तक भी आपको उस धनिये को अपने घर की छत पर ऐसे ही रखना है, और दोस्तों अपने आप ही उड़कर वह धनिया दूर चला जाएगा और आपको प्रभावित नहीं कर पाता है, और आपके जीवन के अंदर धन की बरकत देखने को मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं धनिये की पोटली का एक ऐसा उपाय जो मात्र आपने कर लिया तो आपके घर की अलमारी सदैव धन से भर जाती है, आपके पारिवारिक सुख आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों आप क्या करें, एक लाल कपड़ा लें, और दोस्तों लाल कपड़ा लेने के बाद जन्माष्टमी के दिन आप एक मुट्ठी धनिया आप उस लाल कपड़े के अंदर डाल दें, साथ ही साथ 1 रुपए का एक सिक्का, थोड़ी सी हल्दी, साबुत हल्दी मिल जाती है तो बहुत अच्छा, एक गांठ डाल दें, और एक 11 रुपए आप इसके अंदर डाल दें, और उसके बाद दोस्तों उसकी पोटली आप बना लें, और पोटली बनाने के तत्पश्चात आप जन्माष्टमी के रात्रि को अपने माथे पर से 7 बार उस पोटली को आपको घुमाना है, और घुमाते समय दोस्तों एक मंत्र आपको जाप करना है,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करें और रात्रि को, जन्माष्टमी की रात्रि को आप सोते हैं और सोते समय आपको अपने सिरहाने या अपने तकिए के नीचे उस पोटली को रखकर मात्र आपको सो जाना है दोस्तों। बस मात्र आप ऐसा कर लें और ऐसा करते समय आप अपने मन के अंदर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान लगाएं और रात्रि को आप सो जाएं दोस्तों। उसके अगले दिन जब आप उठें तब आप इस पोटली को लें और पोटली को लेकर आप वापस अपने माथे से 7 बार ओसारें और ओसारने के बाद आप क्या करें, किसी नदी या तालाब के अंदर जाएं या आपके आसपास कहीं भी पानी का स्रोत है तो वहां जाएं। और दोस्तों अगर आपके आसपास कहीं पानी के स्रोत की व्यवस्था नहीं है तब आप अपने घर की छत पर आ जाएं और एक मिट्टी के घड़े के अंदर या मिट्टी के पात्र के अंदर आप पानी डालें और पानी डालने के बाद उस पोटली को उसके अंदर आपको डुबा देना चाहिए। और दोस्तों वापस डुबाने के बाद तुरंत आप इस पोटली को निकाल दें और निकालने के तत्पश्चात पहला काम आपको यही करना है कि आप एक गमले के अंदर शुद्ध मिट्टी लें और गमले के अंदर आपको उस धनिये को उगा देना चाहिए। 11 रुपये आपको इसके अंदर डालने हैं दोस्तों। वह 11 रुपये आप किसी मंदिर आदि के अंदर दान कर दें या किसी गौशाला के अंदर उसका चारा निकाल दें या फिर छोटे बच्चों को खिलाने के लिए आप दे दें ताकि आपको सौभाग्य की प्राप्ति हो। और साथ ही साथ दोस्तों जो हल्दी की गठान है उसे आप अपने घर की अलमारी के अंदर रख दें और उसके बाद दोस्तों उस धनिये को आप बड़ा होने के लिए इंतजार करते रहें, धनिये के अंदर से बीज से पौधा निकलने का इंतजार करते रहें दोस्तों। जन्माष्टमी की रात्रि को किया गया यह गुप्त उपाय आपके जीवन के अंदर धन की वृद्धि करवाता है। कैसे कि जब दोस्तों इस धनिये के अंदर से पौधे निकल जाते हैं और जितना ज़्यादा हरे भरे और जितने ज़्यादा पौधे इस धनिये के माध्यम से बाहर आते हैं आपकी कुंडली के अंदर, आपके जीवन के अंदर भी उसी अनुरूप धन की प्राप्ति होती है। जितना ज़्यादा हरा धनिये का यह पौधा होता है समझ संपन्नता भी उसी के अनुरूप आपके जीवन के अंदर बढ़ती जाती है और आपको इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब आप नित्य खाने के अंदर जब आप खाना खाते हैं उस समय आपको अपने भोजन के अंदर उस धनिये की पत्तियां भी शामिल करनी चाहिए जो इस पौधे के माध्यम से निकलती है। ऐसा करने से आपके जीवन के अंदर मानसिक विकार अपने आप ही शांत होने लगते हैं, आपकी कुंडली के अंदर आए गए दोष अपने आप ही हटने लगते हैं और देखते ही देखते देवी देवताओं का समूचा आशीर्वाद आपके जीवन के ऊपर देखने को मिल जाता है। इतना प्रभावशाली इस धनिये का उपाय। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें जब इस पौधे के अंदर से धनिया निकल जाता है आप इसको सूखने नहीं दें। अगर आपने इसको सूखने दिया तो दोस्तों आपके जीवन के अंदर इसका अनुचित प्रभाव भी देखने को मिल जाता है। बल्कि जब ये सूखने लगे तब आप इसे पूरी जड़ के साथ निकाल दें तो भी आपको इसका फायदा प्राप्त हो जाता है और आपके जीवन के अंदर इसका दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलता। इसी तरह दोस्तों जन्माष्टमी के दिन गरीब व्यक्ति को पंजीरी का भोग जरूर दान के अंदर दें। अब आप जितना ज़्यादा हो सके धनिये का प्रसाद बनाएं और प्रसाद बनाने के बाद गरीब व्यक्ति के अंदर इस प्रसाद का वितरण करते तो ऐसा करने से भी आपकी कुंडली के अंदर, आपके जीवन के अंदर धन का आगमन होने लगता है, धन का योग बढ़ता जाता है और आपकी कुंडली के अंदर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।